नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध 7 तारीख को 7 अप्रैल 2020 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं अपनी नीच राशि में। जी हाँ, बुध की नीच राशि है मीन राशि। बुध मीन राशि में 7 तारीख को 7 अप्रैल 2020 को प्रवेश कर जाएंगे और 7 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक ये मीन राशि में ही रहेंगे। फिलहाल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब बुध कुंभ राशि में है। कुंभ राशि से मीन राशि में बुध देव का जाना आपके अलग अलग राशियों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बुध देव का अपनी नीच राशि में जाना आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो वक्त है ये वक्त पूरे विश्व को कोरोना जैसी महामारी से परेशान करके रखे हुए हैं और खास तौर पर अभी का वक्त, जब मैं कह रहा हूं कि 7 तारीख को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 14 तारीख तक तो लॉकडाउन की स्थिति भारत में घोषित है। ऑब्वियसली लॉकडाउन की स्थिति की वजह से कई सारे कार्य रुकते हैं। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि सर लॉकडाउन है, अभी राशि फल का क्या मतलब, क्यों मतलब नहीं? क्या आपका काम ही, क्या आपकी नौकरी ही, क्या आपका व्यवसाय ही जो फिलहाल यदि रुका हुआ है तो क्या वही सब कुछ है? आपका स्वास्थ्य कुछ नहीं है, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कुछ नहीं है, आपका परिवार कुछ नहीं है। इसके बाद में चलिए, आज आपका व्यवसाय या नौकरी बंद है, क्या आने वाले वक्त में हमको व्यवसाय या नौकरी नहीं करना है, क्या उसकी कोई योजनाएं नहीं बनाना है? और यदि आपको लगता है कि आपका व्यवसाय और आपकी नौकरी बंद है तो इसका क्या मतलब है, सभी का व्यवसाय और सभी की नौकरियां बंद है? मेरा कहने का मतलब है, दवाई कंपनियां तो खुली हैं, कई सारी इसेंशियल सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाले जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, सफाई कर्मी जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी अपना काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो राशिफल लागू होता है ना। तो राशिफल जानना भी बहुत जरूरी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बुधदेव का ये राशि परिवर्तन, बुधदेव का अपनी नीच राशि में जाना आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, किसके लिए सौगात लेकर, क्या नीच राशि में बुधदेव का जाना कोई सौगात भी दे सकता है या केवल चिंता ही चिंता देने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में समझने का प्रयास कर लेते हैं। मैं आपको भविष्यफल और राशिफल बताता हूं। चलिए मेष राशि के बारे में बात करें तो भाई, आपका खर्च जो है यहाँ पर ज्यादा होगा, शत्रुओं का निर्माण भी ज्यादा हो सकता है, शत्रुओं से बच के रहने की जरूरत है। हो सकता है शत्रु आपको परेशान करें, शत्रु आपको फंसाए किसी बात पर। कई बार ये होता है कि हम सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्ट कर रहे हैं और कभी गलत पोस्ट कर दी तो कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे, या कोई धर्म या कोई कोई जाति, कोई मजहब हो सकता है जिसे आघात पहुंचे और फिर वो हमें फंसाने का या परेशान करने का काम करे, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, तो इससे भी बच के रहने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का मेरा मतलब कोरोना से लेकर के नहीं है, हालांकि कोरोना का भी, कोरोना जैसी बीमारी से भी अपना प्रिकॉशन, अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी है और हम सभी को, हर किसी को जरूरी है। जो एहतियात, जो प्रिकॉशंस हमें बताए गए हैं, समय समय पर हाथ धोना, बाहर न निकल, सबसे बड़ी बात तो सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो है इसका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई लंबी बीमारियां हैं तो उसमें भी परेशानी आपको यहाँ पर आ सकती है, या छोटी मोटी बीमारियां भी आपको हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो धन में वृद्धि के योग दिखते हैं आपके लिए, ये समय मुझे बहुत अच्छा दिखता है। लाभ के योग दिखते हैं और खासतौर पर आपकी जो वाणी होगी वो ज्यादा प्रभावी होगी, आपके जो कृत्य होंगे, आप जो करेंगे वो ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाले होंगे। अपनी वाणी से दूसरों को इम्प्रेस कर पाए, दूसरों को प्रभावित कर पाए, ऐसी स्थितियां यहां पर बनेगी, आपके रिश्ते और ज्यादा मधुर होंगे, बहुत अच्छा वक्त आपके लिए रहेगा। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो नौकरी लगने के योग है। देखिए, हो सकता है कई लोग कहें कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, लॉकडाउन का समय 14 तारीख तक कहा गया है और इसके बाद में भी बुधदेव जो है वो मीन राशि में रहेंगे तो उसके लिए भी राशिफल है, तो उस समय नौकरी लग सकती है। और कई बार ये भी होता है कि कई इंटरव्यू, लॉकडाउन हो ना हो, कई सारे इंटरव्यू तो जो है वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो जाया करते हैं, कई बार, नॉट ऑलवेज लेकिन कई बार,
तो अभी भी ये चीज हो सकती है। ये हो सकता है कि पहले कहीं इंटरव्यू देकर के रखा हो या किसी से बात की हो तो आपको ऑफर आ जाए कि भाई इस तारीख से आपको ज्वाइन करना है आगे आने वाले महीने में। तो ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है, आपके भी लाभ के योग हैं और भौतिक या शारीरिक जो सुख सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के बाद यदि कर्क राशि के जातकों की बात करें तो स्थानांतरण के योग हैं। फिर वही बात कि लॉकडाउन में स्थानांतरण कैसा, कई सारे लोग हैं जो इसेंशियल सर्विसेज में हैं, हो सकता है उनका स्थानांतरण हो। और लॉकडाउन तो 14 तारीख तक है, 14 तारीख के बाद आपसे ये कहा जाए कि आपको कहीं बाहर जाना है, आप कहीं बाहर जाकर के या कहीं बाहर आप जाने का खुद सोच रहे हैं, कई जगह पर आप फंसे हुए हैं। तो इसी बुध देव के राशि परिवर्तन की वजह से, बुध देव के मीन राशि में जाने की वजह से आप जो हैं वो जहां भी फंसे हुए वहां से निकल सकते हैं, ऐसे निकलने के योग मुझे दिखते हैं। हाँ, खर्च आपका जरूर से ज्यादा हो सकता है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो आपका भी खर्च मुझे यहाँ पर ज्यादा होता हुआ नजर आता है। रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ना करें, चिंता तनाव के योग भी मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य का खासतौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, इसमें तो अपना ध्यान रखना ही चाहिए, हम सभी को, हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात बार बार की जा रही है, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी की जा रही है, जिससे कि हमको अब बच के रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग हमको रखना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यदि आपको कोई लंबी बीमारी है तो उसका भी ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो नए प्रेम प्रसंग इस बीच में बन सकते हैं, रिश्ते और ज्यादा मधुर होंगे। क्योंकि लॉकडाउन के वक्त रिश्तेदारों के साथ या फिर कहें परिवार के साथ ही घर पर ही रहने का आपको एक सौभाग्य, मैं सौभाग्य कहूंगा कि सौभाग्य आपको मिल रहा है, और इस सौभाग्य की वजह से आपके रिश्ते और ज्यादा मधुर होंगे। उत्साह बनेगा, उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा, और आने वाले वक्त, आने वाले अच्छे वक्त की प्लानिंग भी आप अभी कर सकते हैं। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो खर्च के ज्यादा योग है, खर्च ज्यादा हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। देखिए, जरूरतमंद को बिल्कुल सहायता देनी चाहिए, और यदि किसी को आपको दान देना है बिल्कुल दीजिए, लेकिन यदि आप सोच रहे हैं किसी को मैं उधार दे दूं तो भूल जाइए कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा। एक होता है दान, एक होता है उधार। दान दिया हुआ हम वापस मिल जाए उसकी आस नहीं करते, क्योंकि हमने दे दिया है वो। उधार की वापस आस हम करते हैं। इस समय उधार दिया हुआ आपको नहीं मिलेगा, ये मान करके चलिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करना है आपको। अब रोगों की संभावनाएं हैं, कोरोना का ये वक्त चल रहा है, कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है, प्रिकॉशन रखिए। लेकिन छोटे मोटे जो रोग हैं वो भी आपको घेर सकते हैं, खास तौर पर मानसिक रोग जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, चिंता, तनाव, तो इसे भी बच के रहने की जरूरत है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो लाभ के योग मुझे आपके बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग मुझे यहाँ पर दिखते हैं। आपके जो भी डिसीजंस हैं वो बहुत ही सटीक बैठेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, मेमोरी और ज्यादा शार्प होगी। इस समय का फायदा आप बहुत अच्छी तरह से उठा पाएंगे, और मैं समझता हूँ कि ये वक्त आने वाली सफलताओं को सुनिश्चित करेगा। जो भी आप भविष्य को लेकर के प्लान कर रहे हैं या डिसीजन जो भी आपने लिया है, अपने डिसीजन पर आप लगे रहिए, बने रहिए, आने वाला वक्त आपको कामयाबी दे देगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो आपके भी नौकरी के योग हैं। जैसा मैंने कहा था मिथुन राशि के जातकों के लिए कि भाई कई लोग ये कह सकते हैं कि अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हो सकता है नौकरी जो इंटरव्यू है हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो जाए, हो सकता है कि पहले कहीं इंटरव्यू दे करके रखा हो या कहीं किसी से बातचीत करके रखी हो, कहीं चेक लगा करके रखा हो जिसके लिए कॉल आपको आ जाए, या फिर लॉकडाउन तो 14 तारीख को खत्म हो जाएगा उसके बाद ऐसे योग बनेंगे जो कि नौकरी आपकी लगा दें। अच्छा समय आपके लिए। उत्साह के योग है, खुशी के योग है, नई आस, नई आशा आपके मन में जाग सकती है, और ये बहुत अच्छी बात है, आशा का होना बहुत अच्छी बात है। मकर राशि के जातकों की बात करें तो मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करिए, भागा दौड़ी, भाग दौड़ करवाने वाला भी ये समय है। खासतौर पर ये लॉकडाउन के बाद का जो पीरियड है ये आपको और ज्यादा मेहनत करवाएगा और ज्यादा भागा दौड़ी करवाएगा, लेकिन आपको लाभ भी दिलवाएगा, आपको रिटर्न भी अच्छा दिलवाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस समय का फायदा उठाना चाहिए, नई नई चीजें सीखना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त आपको बहुत लाभ भी दिलवाने वाला है।
कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो धन वृद्धि के योग दिखते हैं। अपने बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण भी आप कर लेंगे, अपने बुद्धि से अपने धन का निर्माण भी आप कर लेंगे। और खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, कहीं एग्जाम दे करके रखी थी उसके लिए आप प्रतीक्षा में हैं, तो उसमें आपकी सफलताएं हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए। या फिर आने वाले वक्त में कभी एग्जाम होने वाली है तो उसमें भी आपकी सफलता है, आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है। और फाइनली मीन राशि के जातकों की बात करें तो डिसीजन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होने के साथ साथ धन वृद्धि, आय में वृद्धि के योग है। परिवार का साथ आपको भरपूर यहां पर मिलेगा। मीन राशि के जातकों के लिए वक्त बहुत अच्छा है, तंदुरुस्ती रहेगी, रोगों से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि मैं ये जरूर कह रहा हूं कि रोगों से चिंता करने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य आपका मजबूत रहेगा, लेकिन फिर भी जो प्रिकॉशन हमें कही गई है हमारे मेडिकल पर्सन के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, हमारे इवन रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए, समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहिए, यदि आप कहीं बाहर निकलना है तो मास्क लगा करके रखिए, तो इसका फॉलो आपको करना चाहिए। अदरवाइज आपके भाग्य में कोई भी स्वास्थ्य की परेशानी मुझे बनती हुई नजर नहीं आती है। तो चलिए, यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में समझने का प्रयास किया मैंने, आपको यहाँ पर राशिफल भविष्यफल बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आप सुविधा चाहूंगा। नमस्कार।